सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक क्लब में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब आपको सपने में जंगल दिखाई दे, ग्रीनरी दिखाई दे या हरा रंग दिखाई दे बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या होता है। कई लोग अपने आप को जंगल में भटकते हुए देखते हैं या बहुत ज़्यादा नेचर के करीब देखते हैं सपनों में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि आने की संभावना रहती है, या फिर समझ लीजिए कि आपको ब्रह्मांड ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके पास खूब पैसा, नेम, फेम, यश, कीर्ति, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ग्रीन कलर जो होता है वो समृद्धि का होता है। हरा रंग व्यक्ति को फ्रेश आइडियाज़ देते हैं। हरा रंग व्यक्ति को कुछ ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं जहां पर व्यक्ति की कल्पना भी नहीं होती। यानी आप समझ सकते हैं कि जब भी आप अपने आप को नेचर के करीब देखें तो प्रकृति आपके ऊपर मेहरबान हो रही है। कई बार आप ये भी सपनों में देखते होंगे कि आप घने जंगल में चल रहे हैं और एक नदी बह रही है, और नदी जो बह रही है उसमें जो पानी का जो साउंड आता है, जो सरसराहट होती है बहते हुए पानी की, वो भी साथ में सुनते हैं, तो समझ लीजिए आपके इमोशंस भी यही चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, फेमस हो और आपको लोग पहचानें। अगर आप सपने में ये देखें कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन बिखरा हुआ है, तब समझ लीजिए कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि आध्यात्मिक विकास होने वाला है। अगर आप ये देखें कि पानी का बहाव बिल्कुल सम है या कोई बहुत बड़ा तालाब है उसके आसपास हरियाली है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मन शांत है और आपके विचार भी शांत हैं और आप जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है या फिर सामने आने वाले समय में मिलने वाला है, और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शांति के साथ वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप ये देखें कि आप किसी घास के मैदान में पैदल चल रहे हैं और मैदान जो है बिल्कुल हरे हरे घास के साथ भरा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं कि जिसको आप एक करियर वाइज आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आपके अनुकूल होंगी। जो आप सोच रहे हैं अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें बिल्कुल बड़े आराम से हो जाएंगी। हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का होता है, हरा रंग फ्रेश आइडियाज़ का होता है, इस वजह से लोग हरे रंग को ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी हरे रंग को यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट जो हैं वो काम रहें, शांत रहें और उनकी रिकवरी पीरियड जो है वो जितना जल्दी हो सके फास्ट हो जाए, क्योंकि हरा रंग बहुत फास्ट रिकवरी भी देता है। जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको हरा रंग दिखाया जाता है ताकि वो डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल सके। अगर आप ये देखें कि बहुत दूर दूर तक सिर्फ चाय के बागान हैं, बिल्कुल हरे रंग से बिखरा हुआ है चारों ओर, तो समझ लीजिए कि आपने जो मेहनत किया है उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर आप चाय के बागान में लोगों को चाय बिनते हुए देखें यानी चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए देखें, तो आपके करियर में अब वो दिन आने वाला है जहां पर आपने अपने जीवन में जो भी मेहनत किया था उसका फल मिलेगा। अगर आप ये देखें कि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जहां पर हरियाली तो है साथ ही साथ उसमें बहुत सुंदर से फल लगे हैं, जैसे सेब का बागान, जैसे आम का बागान, कोई भी ऐसा पेड़ जहां पर बहुत सारे फल लगे हों, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स या भगवान या ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको आपका फल देने वाले हैं, यानी आपके कर्मों का सबसे ज़्यादा अच्छा फल देने वाले हैं, या कुछ टाइम ऐसा आने वाला है आपके जीवन में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। आपने अपने लाइफ में जो जो विशेस की थी वो सारी फुलफिल होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि पेड़ अगर हरा भरा दिखे और साथ में उसमें फल भी दिखे सपने में, तो समझ लीजिए जिंदगी की वो सारी मुरादें पूरी होने वाली हैं जिसकी आपकी इच्छा बहुत तीव्र थी या उसके प्रति अपना एक बहुत ज़्यादा आकर्षण आपने बना के रखा था।
वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सपना जो होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा देखता है। जो भी हम सपना देखते हैं वो एक प्रोसेसिंग होता है जो कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होता है। जो भी चीज़ें हम बचपन से लेकर जवानी तक या बुढ़ापे तक देखते रहते हैं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन दिमाग में सेव हो जाता है, जो बाद में जाकर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरह से सपनों के रूप में देखने को मिलता है कि समझ लीजिए कि एक सबकॉन्शियस माइंड का एक आपके लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को पुनरावृत्ति करना या उसको दिखाना, इसलिए सपनों को इतनी ज्यादा प्रधानता दी गई है। स्वप्न विज्ञान समुद्र शास्त्र का एक अभिन्न अंग है जिसमें लोगों के सपनों के विषय में बताया जाता है। और आज जो मैंने बताया हरे रंग के ऊपर, क्योंकि हरा रंग प्रकृति का सबसे प्रिय रंग है और आप अक्सर देखेंगे कोई भी वनस्पति हो यानी पेड़ पौधे जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं वो हरा रंग का ही होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और यही क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी से प्रोसेस करके अपना खाना भी बनाता है और हमें ऑक्सीजन भी देता है, इसलिए हरे रंग को सबसे ज़्यादा एक्टिव माना गया है। और ये जब भी सपने में आए तो हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। हरे रंग के साथ साथ आप ये देखें कि आप हरे पत्तियों को खा रहे हों या फिर आप पेड़ से फल तोड़ के खा रहे हों, तो अब वो समय आ गया है कि आप अपने लाइफ से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिलने वाला है। अब वो मेहनत का फल मिलेगा जिसके पीछे आपने इतना समय दिया, इतना परिश्रम किया, यानी इसको कहते हैं फूड हार्वेस्टिंग। जो मेहनत आपने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए की थी वो अब पूरी होने वाली है। कई लोग सपने में ये भी देखते हैं कि खेत हरियाली, बिल्कुल खेत जो है वो ग्रीन कलर से पटा हुआ है और जो फसल जो है वो बिल्कुल लहलहा रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में एक इस तरह की प्रॉस्पेरिटी आने वाली है जो शायद आपने अपने पूर्व जन्म में किया था, क्योंकि खेत का रिलेशन पूर्व जन्म से भी होता है। खेत जो है जमीन जायदाद के रूप में हमें पूर्व जन्म में मिले रहते हैं जिसकी वजह से ये कनेक्शन दिखाई देता है। तो अगर लहलहाते हरे खेत आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें पूरी होने वाली है जो पास्ट लाइफ में यानी पूर्व जन्म में बाकी रह गई थी, या पास्ट लाइफ कर्मा जो होते हैं वो आपको मिलना बाकी रह गया था और वो काफ़ी अच्छे कर्म थे, संचित कर्म थे जो आपको इस जीवन में मिलने वाले हैं। तो आप अगर सपने में ग्रीन कलर या हरा रंग या प्रकृति का रंग देखें या जंगल देखें या लहलहाते खेत देखें तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप YouTube में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।